दोस्तों इस छठ महापर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव अगर नहीं होते तो यह धरती असंभव थी, पेड़ पौधे नहीं होते, फसलें नहीं होती, बारिश नहीं होता, बादल नहीं होता, हम लोग भी नहीं होते। तो यह धरती ही असंभव थी अगर सूर्य देव नहीं होते। तो इतने प्रकाश वर्ष दूर होके भी सूर्य देव हमारे घरों को, हमारे पूरे देश को, दुनिया को पूरा रोशन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं इस छठ महापर्व में। तो मेरे और मेरे परिवार और मेरे पड़ोसियों की तरफ से आप सभी को हैप्पी छठ। मम्मी तैयारी कर रही है छठ की, जो कि आज खरना है। तो मुझे इतना पता नहीं है कि मम्मी बताएंगी कि कैसा है। मम्मी आप बताइए हमारे सारे व्यूअर्स को कि कौन सा दिन है छठ पूजा का। कल का नहा खाए था, आज का खरना है। इसमें मीठे खीर बनते हैं गुड़ डाल के और सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कल का पहला अलग है और 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा। अब 3 दिन से आपने पानी नहीं पिया। हमने आज सारा दिन पानी नहीं पिया और आज हम प्रसाद खाएंगे। कल सारा दिन सारी रात पानी नहीं पीना, 31 तारीख को पानी पिएंगे हम सुबह सूरज जी को अर्घ देने के बाद। शाम का अर्घ दिया जा रहा है सूर्य देव को, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग गांव में नहीं है, गांव में तो बहुत ही मज़ा आता है इस पर्व को एंजॉय करने का। बट अभी हम लोग शहर में रहे तो मम्मी टब में ही एक पानी भर के उसमें खड़ी होती हैं और अर्घ देते हैं सूर्य देव को। तो दोस्तों अब आखिरी अर्घ होगा कल मॉर्निंग सुबह जब सूर्य उगेंगे। तो मैं इस पर्व के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत बड़ा महापर्व है। इसका खासियत ये कि जो हमारे हिंदू धर्म की कथाओं और पुराणों में और रामायण में भी लिखित है कि जब राम जी का वनवास का टाइम था, जब पहला महापर्व छठ पूजा का सीता माता ने किया था, पहला व्रत, प्रथम व्रत सीता माता जी ने किया था, उसके बाद से ये लगातार ये महापर्व मनाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह का अर्घ का टाइम हो चुका है, सब लोग रेडी हो चुके हैं और सूर्य देव भी हमारे निकलने वाले हैं। ये देखिए लाल लाल रोशनी दिखाई दे रही है, अब सूर्य देव उगने वाले हैं, फिर उनको अर्घ दे के मम्मी का फास्ट खोला जाएगा। मेरी माँ को पसंद नहीं आया।